फायरिंग। पाकिस्तान की तरफ से बारामूला में हुई फायरिंग में बीएसएफ का जवान शहीद। केरन सेक्टर में भी मोटर से गोले दाग रहा पाक। बिहार में जल्द सरकार बनने के आसार। 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। अयोध्या में दीपोत्सव। राम मंदिर में पहली बार जलेंगे 11,000 दीप। 6,00,000 दियों से जगमगाएगा सरयू तट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने मेमोयर में किया भारत की कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र। लिखा, राहुल गांधी में नहीं है सब्जेक्ट का मास्टर होने की योग्यता या जुनून। बॉलीवुड ड्रग केस में अर्जुन रामपाल से एनसीबी ऑफिस में पूछताछ। उनके दोस्त को जांच एजेंसी ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में पटाखों पर कलेक्टर वर्सेस गृह मंत्री। भोपाल कलेक्टर ने आतिशबाजी के लिए दिए 2 घंटे। गृह मंत्री बोले, कोई समय तय नहीं, खूब पटाखे चलाओ। नवाज की बेटी के गंभीर आरोप। मरियम शरीफ ने कहा, जेल में थी तो वहां बाथरूम में भी लगवा दिए थे कैमरे। अब की बार ग्रीन पटाखे वाली दिवाली। जिन शहरों में हवा खराब वहां नहीं दगा सकेंगे पटाखे। 30 नवंबर तक रहेगा ये बैन। स्कूल में फिर बजेगी घंटी। एमपी में 9वीं से 12वीं की रेगुलर क्लास 20 नवंबर से और 6वीं और 8वीं की क्लास 1 दिसंबर से लगाने की तैयारी। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड हुए 1,40,00,000 कोरोना केसेस। फ्रांस में 2 हफ्ते बढ़ेगा लॉकडाउन। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋतु त्रिपाठी, नव भारत मीडिया।